चौथा उदाहरण इस प्रकार है। मान लीजिए एन धन एम गेंदों का एक समूह जिसमें कि एन लाल और एम नीली गेंदे हैं को रैखिक क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी एन धन एम क्रमागुणित या एम धनहन फैक्टोरियल व्यवस्थाएं सम्भावी हैं। यदि हम इस प्रयोग के परिणामों को केवल क्रमित गेंदों के रंग के रूप में सूचीबद्ध करें कहने का मतलब है कि हम गेंदों के में जो रंग है जो दो रंगों की गेंदें हमें लाल और नीली दी हैं अगर हम कुछ भी चुनाव करते हैं हम ये देखते हैं कि हमारा चुनाव एक इस तरह का है कि क्रमित गेंदों का रंग जो है वो बदलते रहते हैं लाल नीला लाल और नीला लाल हरा नीला लाल नीला लाल, नीला, लाल, लाल। तो इस इस तो इस यह दिखाइए कि यह सभी संभावित परिणाम भी संभावी रहते हैं तो ये प्रश्न थोड़ा गूढ़ प्रतीत होगा आपको इसको हम पुनः पढ़ते हैं कि हमने ये माना कि हमें एन और एम गेंदे जो कि दो विभिन्न रंगों की हैं लाल और नीले दी हुई हैं और उन उनको हमने एक रैखिक क्रम में व्यवस्थित किया है तो क्रम में व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि हम कुछ गेंदें एक रंग की लगाएँ फिर दूसरे रंग की लगाएँ या हम रंग एक क्रमित गेंदों को अ -अ अगल बगल की गेंदों को और रंगों के हिसाब से अलग अलग रंगों के लगा सकते हैं तो बहुत तरह के विन्यास इस तरह के संभव हैं और उन विन्यास में वो सारे विन्यास सम्भावी हैं कुल विन्यासों की संख्या आप बड़े आसानी से गणना कर सकते हैं क्योंकि हमें कुल गेंदों की संख्या धन एम है इसलिए धन एम फैक्टोरियल या क्रमागुणित इसके कुल हैं और वो समसंभावी होंगी इन सारी संभावनाओं के बीच में। कोई एक चुनाव कोई एक व्यवस्था परंतु अगर इसी व्यवस्थाओं को हम एक दूसरे ढंग से देखें जिसमें कि हम गेंदों पे नहीं ध्यान दे रहे हैं हम गेंदों के रंगों पे ध्यान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हम देखें कि क्रमित गेंदों के रंग के में सुविचित करें तो यह दिखाइए कि वह परिणाम भी समसंभावित रहते हैं तो आइए हम इस प्रश्न की हल की ओर बढ़ें तो इस प्रश्न का हल के लिए हम विचार करें कि कि किसी भी संभावित व्यवस्था का और यह ध्यान दें कि ऐसे व्यवस्था में अगर हम कोई क्रम परिवर्तन करते हैं मतलब गेंदों को एक स्थान से दूसरे स्थान में बदलते हैं क्रम परिवर्तन करते हैं तो वो क्रम परिवर्तन अगर केवल लाल या नीली गेंदों के बीच में होते हैं तो उससे रंगों का क्रम नहीं बदलेगा चूँकि हमें जो इच्छित प्रायिकता की गणना करनी है वो रंगों के क्रम की है जहाँ की रंग बदल रहे हैं तो अगर हम दे कोई भी एक व्यवस्था जो हमने बनाई है उसमें से अगर हम दो गेंदे एक साथ रखी हैं अगर उनका क्रम हम बदल देंगे तो उसकी वजह से उस व्यवस्था जो हमने चुनी है उसमें रंगों के क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इस बात का अगर हम ध्यान रखें तो हम निर्दिष्ट परिणाम की ओर बढ़ते हैं तो इस परिणाम के स्वरूप रंगों की एक व्यवस्था एक व्यवस्था मतलब या तो हम लाल नीली लाल नीली या नीली लाल नीली लाल कोई भी एक व्यवस्था कोई एक व्यवस्था अनुरूप होती है एन धन एम गेंदों के कुल संभाव एन फैक्टोरियल अनक्रमागुणित और एम क्रमागुणित के गुणन विभिन्न व्यवस्थाओं के okay. तो so ये एन, एन धन एम गेंदों की कुल संभावित व्यवस्थाओं की संख्या होगी एन फैक्टोरियल गुणित एम फैक्टोरियल ऐसा क्यों क्योंकि एन गेंदे लाल ही हैं आपस में और एम गेंदे एक समान रंग की हैं तो इनकी व्यवस्थाओं की गणना आपको ही होगी कि ये इतनी विभिन्न व्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं इसलिए रंगों के हर क्रम की प्रायिकता लिखी जा सकती है फैक्टोरियल एन गुणित फैक्टोरियल एम भागा एन प्लस एम फैक्टोरियल जहाँ एन प्लस एन में हम रंगों की चिंता नहीं कर रहे हैं हम लिए सारी गेंदे बराबर हैं तो कुल गेंदों का की संख्या हो गई एन धन एम तो एन धन एम गेंदों को हम एन धन एम फैक्टोरियल और क्रमागुण के हिसाब से व्यवस्थित कर सकते तो इन दोनों का रंगों के विन्यास है को भाग देने से कुल विन्यासों से हम प्रायिकता को निकाल सकते हैं तो यह प्रश्न गुण जरूर प्रतीत हो रहा था कथन के हिसाब से परंतु इसका हल काफ़ी सरल है लेकिन इस हल को हम एक कुछ उदाहरण लेके समझ सकते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा इस हल की हम परख कर सकते हैं एक बहुत छोटा उदाहरण लेके मान लीजिए कि हमें दो लाल गेंद और दो नीली गेंदी है आप जैसा देख सकते हैं लाल गेंदों को हमने R1 और R2 से इंगित किया है और नीली गेंदों को हमने B1 वन और B2 टू से इंगित किया है हमने दो गेंदे लिया है चूंकि ये सबसे कम संख्या है विन्यास बनाने की अब और इस चीज़ को आगे चल के हम आगे भी नंबर को हम आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं कि यह कैसे होगा तो सबसे सरल तरीके से हम दो दो गेंदे लेते हैं फिर हम ये जानते हैं कि हमें चार गेंदे हैं तो चार गेंदे ये कुल विन्यासों की संख्या चार फो चार फैक्टोरियल चार क्रमागणित होगी चूंकि इन चार गेंदों में दो दो गेंदे एक एक रंग की हैं जैसे लाल और नीली तो इनकी व्यवस्थाओं में अगर कोई निर्दिष्ट रंग का समायोजन होगा उनकी कुल संख्या होगी फैक्टोरियल टू या टू कर, दो क्रमागुणित गुणित दो क्रमागुणित ये कुल व्यवस्थाओं के और अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही तो हम इसको और सरल तरीके से उदाहरण के लिए इन व्यवस्थाओं का परिणाम लाल गेंदों से शुरू होकर क्रमिक गेंदों के रंग का बारी बारी बदलना होगा क्योंकि हम यहाँ रंगों के संयोजन की बात कर रहे हैं एक निर्दिष्ट संयोजन मीन्स अगर विन्यास में लाल नीला लाल नीला आ रहा है या नीला लाल नीला लाल आ रहा है तो आप देख सकते हैं ये चार गेंदों को हम इस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं शुरू करते हुए लाल रंग की पहली गेंद नीले रंग की पहली गेंद अगर हम गेंदों पे कुछ क्रम डाल रखा है तो आ, तो और फिर आ, लाल रंग की दूसरी गेंद फिर नीले रंग की दूसरी गेंद और इसी तरह हमने दूसरी व्यवस्था बनाई है जिसको कि आप ध्यान दें तो आप ये देख सकेंगे कि यहाँ पे लाल रंगों को तो ऐसे गेंदों को नहीं छुआ है परंतु नीली रंग की गेंदों को आपस में बदल दिया गया है अब एक तीसरे विन्यास की ओर चलें जिसमें कि हमने पहले विन्यास के के, के सापेक्ष नीली गेंदों को नहीं बदला है बस लाल गेंदों के स्थान का परिवर्तन कर दिया है अब अगर हम पहले तीसरे और चौथे विन्यास में देखेंगे तो यहाँ नीली गेंदों को यहाँ पे पहले दूसरे और चौथों के देखेंगे तो नीली गेंदों को छोड़ के हमने लाल गेंदों का स्थान बदल दिया तो आप देख सकते हैं इन दो गेंदों के माध्यम से कि यहाँ पे कुल चार व्यवस्थाएं आती हैं इस तरह के जहाँ की गेंदों के वो क्रम व्यवस्था जिसमें कि रंग एक के बाद बदलते रहते हैं यहाँ लाल से शुरुआत ऐसी ही हम एक विन्यास नीली गेंद के हिसाब से भी लिख सकते हैं अतः रंगों का हर क्रम की प्रायिकता होगी कुल अनुकूल परिणामों की कुल अनुकूल परिणाम हो होंगे चूंकि यहाँ पे दो दो गेंदे हैं तो टू फैक्टोरियल टू क्रमागुणित और यह इसको हम भाग देते दे, कुल संभावनाओं की चूंकि चार गेंदे हैं तो ये संभावनाएं दो धन दो चार हो जाती हैं इस तरह इनका मान हम चार बटा चौबीस जिसको कि सर लेख करके एक बटा छः लिख सकते हैं यह मान हम हमने जो ऊपर निका निकाला था वह एक चर के माध्यम से निकाला था जहाँ कि हमें गेंदों का की संख्या नहीं पता है केवल हम उनको एन और एम चर के रूप में लिख रहे हैं तो ये प्र, प्रायिकता का आ, का सूत्र जो है वो एन फैक्टोरियल एम फैक्टोरियल भागा एन प्लस एम फैक्टोरियल होगा जो कि इस उदाहरण से और आसानी से हम समझ सकते हैं तो मेरा यह विश्वास है कि आपने अब यह समझा कि प्रायिकता की गणना हम उन अनुकूल घटनाओं की संख्या निकाल के कर सकते हैं जब कोई एक घटना जो इच्छित घटना होनी है और हम उस प्रयोग में होने वाले कुल घटनाओं की संभावनाओं को अगर हम गणित कर लेते हैं तो प्रायिकता उन दोनों के अनुपात के बराबर हो